दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आजकल प्यार करने वाले प्रेमी प्रेम का प्यार करने से पहले कुछ सोच विचार नहीं करते, कोई अच्छा लगा और दिल लगा बैठे या दिल लगा बैठी। दोस्तों प्यार में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का एक यह भी नियम है कि जो जितनी जल्दी पनपता है वह उतनी जल्दी नष्ट भी हो जाता है। विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जो पेड़ वृक्ष या पौधे बेल आदि जितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, फल फूल देने लगती हैं, उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाती हैं। और जो वृक्ष बड़े होने फलने फूलने में जितना ज़्यादा समय लेते हैं उनकी आयु भी उतनी अधिक होती है। जो जीव जंतु प्राणी जितनी जल्दी पैदा होते हैं उतनी जल्दी खड़े बड़े व चलने दौड़ने लगते हैं, उनकी उम्र भी उतनी ही कम होती है। ऐसे ही ये भी देख लो, रिश्तों पर भी यही चीज़ लागू होती है। जो रिश्ता जितनी जल्दी आजकल प्रगाढ़ हो जाता है उस रिश्ते की उम्र भी उतनी ही कम होती है। चलो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं कि प्यार करते समय किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो देखकर आप सोच विचार में डूब जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली और रिश्तों के भ्रमों से बचाने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। नंबर वन, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम प्रसंग लंबा चले या अपने प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सबसे पहले एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के फ्रेंड बने। आपको एक दूसरे का विश्वास जीतना होगा। अपना रिश्ता इतना सहज बनाएं कि वे बेहिचक एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर सकें। सेकंड नंबर, ये जरूरी नहीं कि आप जिसे प्यार करते हैं या करती हैं वह भी आपको उतना ही प्यार करता हो या करती हो, क्योंकि कई बार तो लोग हंसी मजाक हंसकर बात करने तक को प्यार समझ बैठते हैं या समझ बैठती हैं और मन ही मन बहुत चाहने लगते हैं, किंतु जब पता चलता है कि हमारा प्यार एक तरफा था तो बहुत कष्ट होता है। एक तरफा प्यार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लें तो आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड नंबर, जब तक आप पूर्ण आश्वस्त ना हो जाएं तब तक प्रपोज ना करें, और जब करें तो पहले कुछ दिल को छू जाने वाली बातों को याद करें, क्योंकि प्रपोज करने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए अपने दिल की बात सही तरीके से एक्सप्लेन करने की हर संभव कोशिश करें। आपके प्यार में सच्चाई झलकनी चाहिए। केवल आई लव यू बोल देने मात्र से ही किसी को प्यार नहीं हो जाता, नहीं वह इम्प्रेस हो जाता है। फोर्थ नंबर, प्यार में पढ़कर आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है या प्यार में पढ़कर आपको अपनी ज़िंदगी बिगाड़नी है, ये तो आप पर ही निर्भर करता है। ऐसे प्यार के मायने भी क्या जो प्यार जिंदगी में मुसीबत बन के खड़ी हो जाए। प्यार करना तो उचित है, किंतु प्यार में गलत कदम उठाना अनुचित है। पहले ये विचार करें कि आपको प्यार है या किसी को पाने का जुनून, क्योंकि प्यार करना हर एक एंगल से सही है, किंतु किसी को पाने के बाद जुनून तो खत्म ही हो जाता है। फाइव नंबर, प्यार में बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना भी रिश्ते को तोड़ देता है। केवल प्यार में पाने की चाहत ना रखें। सिक्स नंबर, आप सबसे पहले ये याद रखें कि आप अपने प्यार को कहां तक ले जाना चाहते हैं या कहां तक ले जाना चाहती हैं। इसलिए प्यार करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं आपकी आसक्ति किसी ऐसे इंसान पर तो नहीं है जो पहले से ही शादीशुदा हो, क्योंकि शादीशुदा से प्यार प्यार नहीं कई जिंदगी बर्बाद कर देना होता है। पहले आप ये सोच लें कि आप भविष्य का प्यार देख रहे हैं या देख रही हैं, या किसी को पाने का आपका जुनून है जिसे आप प्यार समझ रहे हैं या प्यार समझ रही हैं।
क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। यदि आप रखते भी हैं या रखती भी हैं तो निश्चित ही म्यान टूट जाएगा या तलवार टूट जाएगी या मौके पर दोनों में से एक भी तलवार आप नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि आपके लिए दोनों ही तलवारें समय पर बेकार हो जाएंगी। यानी कि आपके पास होंगी तो अवश्य, किंतु आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप तो मौका पड़ने पर उन तलवारों को निकालना चाहेंगे, लेकिन दोनों में से एक दूसरे में ऐसी उलझ जाएंगी कि वे एक भी आपके समय पर काम नहीं आने वाली। अगर किसी का घर तोड़कर किसी को पाने का जुनून है तो ऐसा जुनून इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाता है। यदि शादीशुदा को किसी और से प्यार हो जाता है तो ऐसे इंसान का क्या भरोसा। जिसके साथ जीने के लिए उसे जिंदगी मिली है वह उसी के साथ छल और धोखा करे। 7 नंबर, प्यार में किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। प्यार एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, इस पर जोर जबरदस्ती न करें। 8 नंबर, प्यार में कुछ पाने की चाह रखना गलत है, क्योंकि जब प्यार दोनों की धड़कन बन जाता है या दोनों की धड़कने एक साथ धड़कने लगती हैं तो आप जो चाहते हैं वह अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। बाद में ये केवल एक सोच रह जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ, हमारे अंदर इतनी क्षमता और साहस कैसे आ गया, क्योंकि उस समय आप दोनों का दिमाग भी शून्य हो जाता है। आप भावनाओं के सागर में तैरने लगते हैं, उसकी गहराई में आप खोकर डूब चुके होते हैं, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ कैसे हुआ। ये प्यार है, जुनून नहीं। जुनून में तो सब कुछ पता रहता है, विधिवत गोटें चली जाती हैं, आज मुझे क्या करना है, आज किस तरीके से फंसाना है, ये जुनून है। क्योंकि जुनून में इंसान इंसान को फंसाता है, प्यार में फंसाता नहीं, प्यार में डूब जाता है।